my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे देश में पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा चालू हो चुका है। कोलकाता को जॉय ऑफ सिटी भी कहा जाता है। इस समय कोलकाता निवासी पूरे उत्साह के साथ मां भवानी दुर्गा के आगमन के लिए नई दुल्हन की तरह कोलकाता को सजा चुके हैं और तैयार कर रहे हैं। 2024 में बने पंडालों की लिस्ट कुछ अलग ही मालूम होती है, या यूं कहें कि इस साल कुछ अलग तरीके से पंडालों को सजाया जा रहा है। इस बार कुछ यूनिक थीम आपको देखने को मिलेगी। एक पूजा पंडाल में अमेरिका के लॉस वेगास बिल्डिंग की झलक आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आपको स्विट्जरलैंड का भव्य पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। एक पूजा पंडाल में आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर के दर्शन होंगे, पहाड़ी के दर्शन होंगे, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम अयोध्या मंदिर के दर्शन होंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोलकाता को दुर्गा पूजा उत्सव में एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो चलिए आपको 2024 के मुख्य 5 पंडालों के बारे में बताते भी हैं और कुछ झलक दिखाने का एक छोटा सा प्रयास भी करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है कॉलेज स्क्वायर सर्वोजानी क्लब। इस क्लब के द्वारा स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट की बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है और स्विट्जरलैंड को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस पंडाल को बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जा रहा है। यह बिल्डिंग दुर्गा पूजा पर भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगी। इस पूजा पंडाल की लंबाई 120 और चौड़ाई भी 120 फीट की होने वाली है। इस पंडाल को बनाने की लागत लगभग 50 लाख रुपए रखी गई है। आप इस पूजा पंडाल पर पहुंचने के लिए अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप सियालदा रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर उतरने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर यह पंडाल पड़ेगा, या ऑटो वाले भाई साहब की सुविधा भी आप ले सकते हैं, पास में ही है। नंबर 4 पर श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब है। दोस्तों इस साल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी भगवान मंदिर को दर्शाया जा रहा है, जो कि देखने में अद्भुत, भव्य, आकर्षक लगेगा। ऐसा लगेगा कि साक्षात आप बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। इस समिति के द्वारा 2020 में केदारनाथ के मंदिर को दर्शाया गया था और ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात हम घाटी में आ चुके हैं, जिसको देखकर भक्त आश्चर्य रह गए थे। और 2021 में दुबई की सैर कराकर भव्य बुर्ज खलीफा की टावर को दर्शाया गया था। इस पूजा पंडाल को कोलकाता के लेक टाउन स्ट्रीट के पास बनाया जाता है। इस पूजा पंडाल के पास ऑटो, बस या कोलकाता मेट्रो के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं। नंबर 3 पर है कल्याणी ITI ल्यूमिनस क्लब मोड़ की दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, यह पूजा पंडाल क्लब हर साल कुछ यूनिक और अलग थीम पर काम करता है, इसलिए यह बहुत मुख्य माना जाता है। इस साल आपको बैंकॉक के अरुण मंदिर को दर्शाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस पंडाल को रात की रोशनी में देखने पर बहुत भव्य और आकर्षक दिखेगा। ऐसा लगेगा कि मानो सोने से नहाई हुई पूरी बिल्डिंग है। इस बार पूजा पंडाल 170 फीट से भी ऊंचा बनाने का प्रयास है। इस पंडाल पर पहुंचने के लिए आपको कल्याणी घोषपाड़ा रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करना होगा। स्टेशन के बाहर निकलने के बाद यह पंडाल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पड़ता है, या फिर आप ऑटो वाले भाई साहब की सेवा भी ले सकते हैं। नंबर 2 पर बना हुआ है कल्याणी रक्त कला दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों, यह पूजा पंडाल कोलकाता के ब्लॉक बी रक्त कला कंचन पाड़ा क्लब के द्वारा इस साल मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर को दिखाने का
एक प्रयास किया जा रहा है। जब आप इसको सामने से देखेंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि यह पंडाल है या साक्षात मंदिर है। इस पूजा पंडाल को बहुत बड़े मैदान में बनाया जाता है। इसके साथ साथ भव्य मेला भी लगाया जाता है जिसमें आपको खासी भीड़ देखने को मिल सकती है। इस भव्य पूजा पंडाल तक पहुंचने के लिए आप यहां के निकटतम रेलवे स्टेशन कल्याणी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर सियालदा के लोकल ट्रेन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस साल में नंबर 1 पर बना हुआ है संतोष मित्रा स्क्वायर क्लब। दोस्तों, इस क्लब ने पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर को बनाकर कोलकाता वासियों को आश्चर्य कर दिया था। इस साल भी कुछ यूनिक करने का प्लान बना है। इस साल क्लब के द्वारा यूएसए का लास वेगास के गुंबद नुमा स्क्वायर बिल्डिंग की थीम दर्शाने का कठिन प्रयास किया जा रहा है। इस गुंबद के ऊपर चारों तरफ से कई छोटे छोटे स्क्रीन लगे हैं जिसमें पूजा पंडाल और पूजा को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास रहेगा और कोलकाता की संस्कृति को भी दिखाया जाएगा। रात के समय में यहां भव्य लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा जिससे कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा भक्त आकर्षित हो सकें। इस पंडाल पर पहुंचने के लिए आपको शोभा बाजार सूतानूती मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करना होगा। यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर यह पंडाल बनाया जाता है या आप ऑटो वाले भाई साहब की भी सेवा ले सकते हैं। दोस्तों, इस साल 2024 में मैंने आपको कोलकाता के 5 सबसे बड़े पंडालों के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर अपनी प्यारी सी उंगली को रख दें जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता दी।